ओप्पो रेनो 6 अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ 19,999 रुपये मिलने वाला है, लेने वाले हो। इसमें हम ये बात करने वाले हैं, ओप्पो का रेनो 6 5G फ़ोन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 19,999 रुपये मिल जाएगा। हो सकता है उससे कम भी मिल जाए, तो पूरा देखिए, जल्दी बोलो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे जो ओप्पो का रेनो 6 है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये फ़ोन का जो रियल प्राइस है वो 29,999 रुपीज़, मतलब 30,000 रुपये है। और लोगों को ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया पसंद आया था। जब ये लॉन्च भी हुआ तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था ऑफर के ऊपर, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। चलिए बात करते हैं अब इस अमेज़ॉन की सेल के बारे में, फ्लिपकार्ट की सेल। ये तो अमेज़ॉन में नहीं आ रहा है, फ्लिपकार्ट में आ रहा है। फ्लिपकार्ट की सेल बात करेंगे, अमेज़ॉन की क्यों बात करेंगे, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। चलिए जब ऑफर में बात कर लेते हैं कि क्या ऑफर है, कैसे आपको मिलने वाला है, कैसे आपको क्लेम करना है। तो इस फोन में, जिस मैंने आपको बताया, इस फोन का प्राइस जो रियल है वो 29,990 रुपीज़ है, बट आपको ये फ़ोन मिलेगा सेल में सिर्फ 27,000 रुपये में। तो अब हम बात कर लेते हैं 27,000 रुपये में, पहले 3,000 कट गया है, ठीक है, प्रीपेड वाला ऑफर। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, 1,500 रुपये का कार्ड लगाना है, कोई भी, जिसमें वो यहाँ पे आप लोग जो कार्ड मिलते हैं वो वाला कार्ड, कोई भी नहीं ऐसे, तो वो वाला कार्ड लगाइएगा। तो 1,500 रुपये आप लोग वहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, तो होगा फ़ोन कितने का, 25,500 रुपये में। 25,500 रुपये में यहाँ पे आपको स्मार्टफोन मिल रहा है, बट मैंने क्या कहा है, 19,000 या 19,500 भी मिल सकता है। तेरी बात करते हैं, मैंने तो आपको ऐसे 19,999 लिखा है, बट उससे भी कम होगा, देखिएगा। तो यहाँ पर इस फ़ोन का जो, अगर आप लोग यहाँ पे, मैं जब गया था एक्सचेंज ऑफर में भी बढ़िया ऑफर मिल रहा है आपको यहाँ पे। मैंने जब रियलमी 8 वहाँ पे डाला, 6,000 रुपये मुझे मिल रहा था, तो मतलब 25,500 रुपये में अगर आप 6,000 को माइनस कर देते हो तो 19,500 रुपये हो जाता है। और अगर आपके पास और अच्छे स्मार्टफोन है तो वो और 500 ले लो तो 19,000 रुपये तक भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर है, आपका जैसे स्मार्टफोन है उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से अगर 19,500 रुपये आप 20,000 भी ले लो तो ये फ़ोन बढ़िया है भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन का स्मार्टफोन मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इस फ़ोन का जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और दिखने में तो फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर पीछे से भी कोई, मतलब दूर से भी कोई देखेगा इस फ़ोन को, तो आपको ज़रूर से हो सकता है तारीफ़ कर दे, क्योंकि भाई फ़ोन का डेफिनेटली लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। डिस्प्ले में आपको 6.43 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड मिलता है, साइड पंचो मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है, तो डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राइटनेस सब बढ़िया है यहाँ पर। चिपसेट में डायमेंसिटी 900 वाला चिपसेट मिल जाता है, 5G चिपसेट है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। तो परफॉर्मेंस भी आपकी जो है ना तगड़ी हो जाने वाली है। कैमराज में मेरे को एक फीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा इसका, मेन पहले कैमरा की बात करता हूँ, तो 64 मेगापिक्सल मेन है, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर माइक्रो लेंस आपको देखने मिल जाता है, सेल्फी में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है साइड पंचोल के साथ। बट सबसे बेस्ट फीचर मुझे वो लगा गाइस, यहाँ पे वीडियो बोके मोड वाला मोड यहाँ पे जो दिया गया है, मतलब आप जो वीडियोस बना रहे हैं, जैसे हम ये अभी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो भाई ये ब्लर हो जाएगा, मतलब आजू बाजू का, तो ये बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप लोग भी जानते हैं, मतलब यूट्यूबर अगर कोई ले रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा, उसके लिए उसके वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो मोबाइल से ही वीडियो बनाना चाहते हैं, DSLR नहीं लेना चाहते अभी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया बात, और बहुत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मोड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं बैटरी में, तो यहाँ पे आपको 4,300 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप से मिलता है, 65W की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाती है। फ़ोन बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाने वाला है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं आती है। UI में भी एंड्रॉइड 11 आपको बॉक्स मिलता है, कलर वाइज के साथ ही रन करता है, बस वही बात मुझे अच्छी लगती है, और सब ठीक है। कलर वाइज भी ठीक है, बट यार मुझे ना थीम वीम अच्छा नहीं लगता कलर वाइज का, आप लोग बताना आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। तो गाइस ये है पूरा ओप्पो रेनो 6, एंड आप लोग वो सिर्फ और सिर्फ ही मिल जाता है 19,500 रुपये या 19,999 के लिए। मैंने जैसे बताया, जैसे कि आप लोग फ़ोन जो भी आप एक्सचेंज करते हो, मैंने रियलमी 8 डाला था तो मुझे भाई 6,000 दिया जा रहा था, अब आप लोग जो स्मार्टफोन डालेंगे उस हिसाब से आपको भी मिल जाएगा। तो बताना कमेंट करके आप लोग कौन सा एक्सचेंज कर रहे हो, कौन सा फ़ोन ले रहे हो, भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया डील है। अगर 20,000 रुपये में मुझसे पूछते हो बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट चिपसेट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ डिज़ाइन और कैमरा में फ़ोन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और अगर इन दोनों चीज़ के लिए आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये ले लेना, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरी आपकी यही रिकमेंडेशन रहने वाली है। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको, हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ओप्पो रेनो 6 के बारे में भी बता सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक पहला वीडियो भी बनाया था इसके पहले, तो उसमें भी आप लोगों ने सपोर्ट अच्छा दिया, तो इसमें भी सपोर्ट जरूर से दे देना, और बता देना कि ओप्पो रेनो 6 लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो। मैं लास्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा, फ़ोन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सही लगता है, तो इसलिए लेना हो तो ले लीजिएगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।